जफर, हमें आज शफकत भाई के घर डिनर पे जाना है। मैंने उन्हें कॉल किया था। क्या यार पुप्पो, तो बुरी बात है, इतने दिन हो गए मैं आई हुई हूँ, उनसे मिलने भी नहीं गई। क्या सोचेंगे? यही कि आप तो उनसे मिलना ही नहीं चाहते। अच्छा, मैं आराम करने जा रही हूँ, शाम को जरा जल्दी आ जाना। जी। आदर्श, तुमने भी बाबा और आंटी को मना नहीं किया कि आज हम उनकी तरफ डिनर के लिए नहीं आ सकते? नहीं, मुझे तो पता भी नहीं था, वो उन्होंने कॉल की थी। जफर, मैंने मना किया था लेकिन वो जिद कर रहे थे। वो मैंने सोचा था कि जब मैं ऑफिस से वापस आऊंगा तो हमसे मिलके कहीं डिनर के लिए बाहर चलेंगे। इतने दिन हो गए हैं कि कहीं बाहर नहीं गए। ये भी तो डिनर घर से बाहर है। दिलकश के घर, दिलकश के हाथ का बना हुआ टेस्टी टेस्टी खाना। असलम, दिलकश आदर्श की बहन है, उसके बारे में इस अंदाज में बात ना किया। तौबा है, एक तो तुम लोग हर बात पे बहस करते हो। तुम भी रेस्ट करो, मिलते हैं। और तुम आओ। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। वो अगर हम जफर को बता दें तो क्या पता वो हमें जाने दे। और ये भी तो हो सकता है ना कि वो हमारे साथ चले। नहीं आदर्श, मुझे पता है जफर कभी नहीं हमारा साथ देगा। तो फिर तो छुप कर ही जाना पड़ेगा। लेकिन अगर जफर को पता चल गया तो? आदर्श, एक दफा की तो बात है, फिर रिपोर्ट तो असलम भी पिक कर लेगा। तुम परेशान नहीं हो, मैं कुछ करती हूँ। अच्छा, जाके जल्दी से तैयार हो जाओ, असलम आने वाला है। और हाँ सुनो, कुछ चूड़ियों में खरब पहन लेना। इसकी मदद कर रही है, कहीं इसने पापा को बता तो नहीं दिया कि उसके और आदेश के दरमियान? नहीं नहीं, असल में ऐसा नहीं कर सकता। फिर आखिर क्या बात है? मुझे कुछ करना पड़ेगा। आई थिंक पापा को वापस भेजना पड़ेगा। जापा, एक बात तो बताएं। जफर भाई के जो कजिन है असलम, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? कैसे आदमी है वो? खैरियत तो है बेटा, तुम उसके बारे में क्यों जानना चाहती हो? कहीं वो भी नहीं? खतीजापा, मैं तो इसलिए पूछ रही थी कि मुझे आपके अंदाजों पे बहुत यकीन होने लगा। अब कोई भी आदमी होगा ना, पहले आपको दिखाऊंगी, आपसे पूछूंगी और उसके बाद देखूंगी आपकी बात कितनी सही है। तो ठीक है, आज हम उसे देखेंगे और फिर तुम्हें बताएंगे। अगर हमारी बात गलत हो तो जो चोर की सजा वो हमारी सजा। हाँ ठीक है, मैं ये दाल अम्मी को देख के आती हूँ। तो किसी बिगड़े हुए नवाब जैसी, जो हर लड़की को देख के राल टपकाने लगती है। आपको ये कहते हुए गैरत नहीं आती? मुझे बेगैरत कह रही हो? कभी अपनी हरकतों के बारे में सोचा है? सोचकर भी शर्माती है कि एक शादीशुदा औरत होकर तुम
लड़कों से इश्क लड़ाती फिरती, यहां तक कि मेरे कजन को भी अपने जाल में फांस लिया। खुदा का खौफ करे, मुझ पर तोहमत तो ना लगा। मुझे पता है यहाँ आपका गिरेबान पकड़ने वाला कोई नहीं, फिर खुदा तो पकड़ेगा। मुझे खुदा से डर आ रही, खुद तो जैसे बहुत डरती हो। हाँ, मैं अपने खुदा से डरती हूँ और उसके अजाब पर यकीन भी रखती हूँ। मुझे यकीन है वो आपको सीधे रास्ते पे जरूर लाएगा और मेरा सच जरूर साबित होगा। और तुम्हारे जो इतने यार, अगर तुम लोग तैयार हो गए हो तो बाहर आ जाओ। जी पुप्पू, आप चले हमारे। जल्दी से आना, हम लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। परेशान ही हो गई, भाभी जान आने का नाम ही नहीं ले रही। आदर्श भी तन्हा हो गई है, मैंने तो जफर से कहा था कि जाके ले आओ। आंटी, वो दिलकश नजर नहीं आ रही। बेटा किचन में है। आदर्श, तुम जाओ, जाके उससे कहो कि सलाम दुआ तो कर ले कम से कम। जी। आंटी, एक्सक्यूज मी, मैं खदीजा बस मिलूं। हाँ हाँ बेटा। खदीजा आप गई नहीं अभी तक? अरे मैंने ही रोक लिया था उन्हें, वो वहां अकेली होती हैं, मैं यहाँ अकेली होती हूँ। आदर्श के जाने के बाद घर बहुत सूना हो गया है और दिलकश भी सारा दिन अपने कामों में लगी रहती है। भाभी, वापस से मिली आप, कैसी है वो? नहीं, खुदा करे खुश। इनके वाले तो नाम भी लेना पसंद नहीं करते उसका। आंटी, मैं समझता हूँ कि बेटियों के घर आना जाना बहुत जरूरी है, ये पता रखना बहुत जरूरी है कि बेटियां अपने घर में खुश हैं कि नहीं। तो ठीक है बेटा, मगर माविश ने जो किया है उसके बाद, भाभी बच्चे तो गलतियां करते हैं मगर माँ बाप तो उन्हें माफ कर देते हैं। आप तो आदर्श भाभी के घर भी नहीं आती। बेटा, वो आ जाती है ना हमसे मिलने, और वैसे भी बेटियों के घर बार बार जाना शफकत पसंद नहीं करती। वैसे आदर्श तो अपने घर पे बहुत खुश है। वो यहाँ आती है तो तभी खुश नजर आती है, अगर आप उनके घर चले जाए। असलम, अल्लाह का शुक्र है जफर और आदर्श अपने घर में खुश हैं। तुम बिला वजह की बात क्यों बढ़ा रहे हो? हैप्पी? जी, बहुत ज्यादा। थैंक यू बुबू, अगर आप ना होते तो ये पॉसिबल ही नहीं था। मैं दो चार दिन में तुम्हारी रिपोर्ट्स आ जाए उसके बाद डॉक्टर को दिखा देती हूँ। रिपोर्ट्स आएंगी कैसे? नहीं, डोंट वरी, असलम ले आएगा, तो कोई मसला ही नहीं है। खुदा करे जब तक ये काम ना हो जाए सफर को शक भी ना हो, वरना मैं तो उनसे झूठ भी नहीं बोल सकती। क्या हुआ, क्या सोचने लग गई? नहीं कुछ नहीं। परेशान नहीं हो, तुम्हारी रिपोर्ट चेक कराने के बाद जफर से मैं खुद बात करूंगी। किस किस
किस्म की पढ़ी लिखी औरत है, मजाल है जो कोई चीज जगह पर मिल जाए। आदर्श के पास पढ़ो, इसका मतलब मेरा भी यहीं पे कहीं है। छोड़ देंगे अम्मा, हम उसे छोड़ देंगे माँ। अहमद, हम छोड़ देंगे अम्मा। अहमद, क्या हो गया आपको? क्या नशा करने लग गए? माँ, अम्मा जाके ना अपनी अम्मा के कलेजे में सो जाएं। जब देखो अम्मा अम्मा की रट लगाई होती है, ना खुद सोते ना मुझे सोने देते हैं। गरम गरम चाय तैयार है। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। क्या? यही कि आपको खुश देख के बड़ा अच्छा लगा। मैं जब तक यहाँ रहा आपको सिर्फ रोते और डरते ही देखा। आपके आने से इनके चेहरे पे बड़ी खुशी आ गई। अल्लाह का शुक्र है भाई, मैं तो इन दोनों को हमेशा खुश ही देखना चाहती हूँ। बेटा मैं कह रही थी कि मैं तुम दोनों को हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। इंशाल्लाह हम हमेशा खुश रहेंगे। इंशाल्लाह हम दुबई जा रहे हैं। हम यानी मैं और आप कब? वो मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं जफर कितने दिन के लिए जा रहा है। रिपोर्ट्स तो मैं मंगा लूंगी, लेकिन अगर तुम ही यहाँ नहीं हुई तो क्या फायदा? मम्मी आप फिक्र ना करें, वो ज्यादा दिन बाहर नहीं रहेगा, अपने बिजनेस के लिए जा रहा है। आदर्श भाभी को तो इसके साथ लेके जाए ताकि वो जल्दी वापस आ जाए। अच्छा असलम, तुम रिपोर्ट्स कलेक्ट कर लेना और अपने पास ही रखना। आदर्श, तुम असलम के साथ जाके किसी बहाने से चेक करा लेती। नहीं पापा, अब मुझे अपनी जिंदगी में किसी नए इल्जाम का इजाफा नहीं करना। हाँ हाँ बाबा, जाने से पहले एक बार तुमसे मिलकर ही जाऊंगी। सच बताऊं मुझे इतनी खुशी हो रही ना, मैं बता नहीं सकती। ये तो बहुत अच्छी बात है, और शादी के बाद तो तुम कहीं गई ही नहीं। हाँ, क्योंकि कभी जफर ने कहा ही नहीं। उनकी अम्मा शादी होते ही अगले जहान का टिकट जो कटा गई थी। अच्छा बकवास बंद करो। अच्छा मुझे पैकिंग करनी है, मैं फोन बंद कर रही हूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं, बाय। सही, मैं नवाब शाह से जहाँ नौकरी के लिए आया था, 4 महीने हो गए बेरोजगार हूँ, अपने किराए वाले के साथ रहता हूँ। अब तो मानी पानी खाते भी शर्म आती है। हाँ हाँ सुन चुका हूँ, पहले भी 4 दफा बता चुके हो तुम मुझे। जब कोई नौकरी होगी तो मैं तुम्हें बता दूंगा। सही, अल्लाह पर करम करे, मेरे बच्चे लोग दुआ देंगे। सही आप तो बड़े लोग हैं, किसी को भी बोलेंगे तो नौकरी पर रख लेगा। अब तो मेरे पास किराए के भी पैसे नहीं है। रख।
इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। अल्लाह भले करे साईं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। अच्छा साईं, मैं फिर मिलूंगा। कितनी दफा कहा, भक भक मत किया कर। बहुत दिन हो गए तो हाथ ही लगे ना, देख लगे कि ना समझ आ जाएगी तुझे। साजिद क्या मतलब है दो हाथ लगेंगे, कैसी बातें कर रहे हो तुम? तेरी वजह से इसने मुझे बड़े दिन से मारा नहीं है, इसीलिए मारने की धमकी दे रहा है। मारा नहीं है? ये तुम पे हाथ भी उठाता है? साजिद जी, ये मैं क्या सुन रही हूँ, तुम औरत पे हाथ उठाते हो? इस तरह की औरत हो ना, जब तक उसे तो लगती नहीं है, समझ भी नहीं आती उसको, जाहिल औरत। किस तरह की बातें कर रहे हो, क्या हो गया तुम्हें? ये बीवी है तुम्हारी, ऐसी बातें तुम्हें जेब नहीं देती। ये जाहिल है तो क्या हुआ, तुम तो पढ़े लिखे हो। साजिद आज के बाद तुम इस पे हाथ नहीं उठाओ। माहू प्लीज इस मामले में मत बोलो तुम। क्यों ना पढ़ूं? बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम, जब मैं तुम्हें करने दूं, औरत पे हाथ उठा रहे हो तुम। तुम मेरी वजह से इससे लड़ाई ना कर, ये तो जब तक मुझे नहीं मारेगा इसे चैन नहीं मिलेगा। आज के बाद ये तुम्हें कभी नहीं मारेगा। माहू तुम भी बीवी हो मेरी, और बीवी बनो, मां बनने की जरूरत नहीं तुम्हें। स्टे आउट ऑफ इट। साजिद तुम इस वक्त बहुत गुस्से में, घर से बाहर जाओ और जब गुस्सा ठंडा हो जाए तब वापस आओ। जाओ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हो गया अहमद फराज, अम्मा की याद सता रही है? हाँ जी। जाहिर है अब तो उन्होंने आपको इमोशनली ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया होगा कि हम तुम्हें अपना दूध नहीं बख्शेंगे, हमारी कब्र पे मत आना, मरने के बाद हमारा मुंह मत देखना, वगैरह वगैरह। ना करे ऐसा कुछ उनके साथ, उनको लंबी जिंदगी मिले। कैसी बातें कर रही हैं आप? फिक्र मत करें, ऐसे लोग ना आसानी से नहीं मरते, कयामत के दिन बोरियां समेटेंगी अपने गुनाहों की, याद रखिएगा। अजीब बात करने लगी आप, इस सेब की जगह ना हमें आप काट दें। नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो।